चलिए करते हैं हम अपने Oppo F19 Pro Plus की अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं यह बॉक्स जो कि पूरा Oppo Reno 5 Pro के जैसा दिखता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो रिमूव करते हैं इसका भाई, और ये निकला यहाँ पे बॉक्स, और हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ होने वाला है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कवर और डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो जी हाँ, यहाँ पे कवर और डॉक्यूमेंटेशन ही है। तो आप देख सकते हैं ये है डॉक्यूमेंटेशन, ये है सिम इजेक्टर टूल, और ये है डॉक्यूमेंटेशन। काफ़ी घटा दिया है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन। तो ये कवर और डॉक्यूमेंटेशन, और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे सिंपली देखने को मिलता है एक फ़ोन जो कि है Oppo F19 Pro Plus। ऑब्वियसली यार, फ़ोन तो देखने को मिलेगा ही, आप भी कहोगे क्या बता रहा है भाई। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक अडैप्टर, काफ़ी हैवी अडैप्टर है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे चार्जिंग वायर जो कि हमेशा मिलती है, और एक बढ़िया चीज़ भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, गेस कीजिए क्या है वो चीज़, और मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। तो ये है वो चीज़, जी हाँ, ये है ईयरफोन्स जो कि यार काफ़ी सारी कंपनीज नहीं दे रही हैं। तो चलिए, ये थी सारी अनबॉक्सिंग, ये सारा कंटेंट आपके सामने जो है आ चुका है। तो चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं फ़ोन के फीचर्स, बने रहिए वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अपने फ़ोन के बारे में। बकवास चीज़ें हटाओ यार, हटाओ ये सब कुछ, अब बात करते हैं रियल बीस्ट से। तो ये देखिए, ये है अपना ओप्पो F19 Pro। यार अभी तो आपको याद होना चाहिए, इतनी देर का बोल रहा हूँ मैं। तो इसको कर लेते हैं हम साइड में, ये कवर जो कि प्रोटेक्शन के लिए आता है। और ये है फ़ोन, देख सकते हो ये है फ़ोन, ये ऊपर 5G लिखा हुआ गाइस। तो चलो यार, सबसे पहले आप इसकी बिल्ड क्वालिटी के दर्शन कर लो, हैव अ लुक ऑन दैट। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ही सही लगी मुझे इस फ़ोन के अंदर। आप देख सकते हैं काफ़ी सही है, जो ये मेटल सा कलर है ना, स्पेस ग्रे टाइप कुछ कलर है, ये बहुत ही ज़्यादा सही कलर है। और नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटअप, और ये क्वाड कैमरा सेटअप है भाई। मेरे को पहले लग रहा था यार ये सिंपल ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, पर नहीं यार, यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा कैमरा दिया गया है, और इसका काम देखते हैं हम क्या है। और ये क्वाड कैमरा सेटअप, जी हाँ, और ये 5G फ़ोन है, काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ बटन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वॉल्यूम रॉकर्स, यहाँ पे सिम कार्ड ट्रे मिल जाएगी आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेंगे स्पीकर्स, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पे 3.5mm जैक की पोर्ट देखने को मिल जाएगी, और कुछ है नहीं खास। ऊपर की तरफ एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज़ थोड़ी सी सही है। और बाकी यार, फ़ोन की लुक जो है वो काफ़ी सही लगी। अब परफॉर्मेंस देखेंगे तो तभी हमें पता लगेगा कि यार फ़ोन कैसा है। और चलिए इसको करते हैं फर्स्ट बूट और देखते हैं क्या है। सो लेट्स गो गाइस, करते हैं इसको फर्स्ट बूट। और यहाँ पे आपको मेरा कैमरा देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन के अंदर, थोड़ी सी स्क्रीन गंदी है क्योंकि मेरे हाथ लग गए हैं भाई। और लो जी गाइस, यहाँ पे ये हो चुका है फर्स्ट बूट, यहाँ पे आ चुका है ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो यार काफ़ी सही डिस्प्ले है, और देखते हैं यार क्या ही फ़ोन है, क्योंकि यार जितना मैंने अभी तक इसको पढ़ा है, इसको देखा है, इसकी लुक्स देखी है, काफ़ी सही फ़ोन लग रहा है। और ये तो भाई इंटरफेस तो भाई का क्या कत्ते जहर है तो आप देख सकते हैं ये है इंटरफेस, वाओ। तो मेरे को ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है देखने में। तो ये इसको मैं एक बार फिर से फोकस कर देता हूँ कैमरे के अंदर। ओके, 2 मिनट रुक जाओ। तो जी हाँ, फोकस हो चुका है कैमरे के अंदर, इसको हम ऑन करते हैं अब। और ये लीजिए गाइस, इसको हम ओपन करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का आता है इंटरफेस। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फालतू ऐप्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आप आराम से उड़ा सकते हो, जैसे कि अभी करके देख लेते हैं भाई, उड़ा सकते हो वैसे। तो देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्नैपचैट, जिसको हम करेंगे रिमूव, तो रिमूव हो जाएगा गाइस आराम से। ये हैगा फ्लिपकार्ट, इसको भी रिमूव कर सकते हो, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये सब कुछ था, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो फालतू ऐप्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी यार फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब बात कर रहे थे यार इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सीधा मैं आपको खोल के ही बताने वाला हूँ कि यार इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो उसके बाद आपको अबाउट फ़ोन जाना है नीचे सबसे ज़्यादा, और आप देख सकते हैं भाई एंड्रॉयड वर्जन। जी हाँ, ये देखिए, तो ये है, आपको पता होना चाहिए भाई अब कौन सा है। मैं आपको बताऊँगा कि है एंड्रॉयड 11 सिंपली आपके, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 लिखा आया था। तो ये देखो, तो ये एंड्रॉयड 11 है बेसिकली, मैं वैसे मजे ले रहा हूँ फ़ोन के साथ। तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, 8GB रैम देखने को मिलेगी, 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोन है। और अब बात करते हैं यार इसके कैमरास कैसे हैं, तो कैमरास के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। चलिए, तो गाइस यार अब बात करते हैं यार इसके कैमरास की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाइड एंगल कैमरा और बाकी माइक्रोशॉट कैमरा और मिनी कैमरा, टेलीपोर्ट लेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि है 2 मेगापिक्सल का, जो इस बॉक्स पे लिखा हुआ है। बाकी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इस फ़ोन के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। अभी देखते हैं यार इसके कैमरा की क्वालिटी कैसी आती है। एक बार मैंने आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन बता दिए हैं, अब बारी है यार इसके कैमरा की, जो कि यार लोग सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो लोग है, इसमें कैमरा ऑन कर रहा हूँ और भाई ये देखो, ये कुछ इस तरीके का कैमरा क्वालिटी दे रहा है। ये मेरा स्टूडियो है और बहुत सारा कन पड़ा हुआ है फिलहाल तो, और मतलब यार भाई ये कुछ इस तरीके की क्वालिटी दे रहा है। तो मैं आपको कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी कि यार इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। फ़िलहाल कैमरा यार यहाँ पे स्टूडियो में लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लैश कर रहा है। और बाकी यार हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन से मोड्स हैं। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले मोड्स सभी प्रेजेंट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको एक बार फोकस करते हैं भाई, डुअल व्यू आपको देखने को मिलेगा, स्लोमो देखने को मिलेगा, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट, एक्स्ट्रा HD, पैनो, बहुत सारा कुछ, मैक्रो शॉट यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भाई कि मैक्रो शॉट्स को कैसे ऑन करना है, तो ऐसे ऑन कर सकते हो और आप मैक्रो शॉट्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ है इस फ़ोन के अंदर, काफ़ी सही फ़ोन देखने को लग रहा है भाई, सब कुछ है फ़ोन के अंदर। आप आराम से 4K वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप एक यूट्यूबर हो मेरी तरह तो, ठीक है। तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जहाँ तक मेरे को लगता है यार सही है फ़ोन, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मिड रेंज के अंदर आता है, तो ऐसा ही फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है यार इस फ़ोन के अंदर, और ज़्यादा कुछ है नहीं फ़ोन के अंदर। बाकी अगर इसके प्रोसेसर वगैरह की बात करूँ तो प्रोसेसर इसके अंदर बहुत ही ठीक ठाक लगा हुआ है गाइस, मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगा इसके अंदर। जो प्रोसेसर है ठीक ठाक प्रोसेसर है, और जो इसके अंदर जो फ्लैश चार्जर है वो आपको 4.0 30W का फ्लैश चार्जर भी देखने को मिलेगा, तो आपके यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी है। और अब आप बात करेंगे यार, बता यार इसकी जो बैटरी बैकअप है वो कितनी है। बैटरी बैकअप यार इसकी फ़ोन की जो है वो डिसेंट है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, ज़्यादा 5000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, बस 5000 लगा लो यार। यहाँ पे फ़ोन पे लिखा हुआ है 4800, तो मैंने 5000 इसलिए बोल दिया कि चलो 5000 तक का तो देता है। तो फिलहाल आप अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो 4800 की आपको ये mAh की बैटरी देता है, 48000 का बोल रहा हूँ भाई। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोन। अगर आपको ख़रीदना है तो आप आँख बंद करके ख़रीद सकते हैं, और अगर आपको ये फ़ोन ठीक ठाक प्राइस रेंज में ख़रीदना है, और अगर आप गुरदासपुर में हमारे यहाँ पे सिटी में लोकल रहते हैं, तो आप यहाँ पे GK टेल सर्विसेज में जाके मेरा नाम लेके इसको बजट में भी ख़रीद सकते हैं, EMI में भी ख़रीद सकते हैं, हर तरीके के साथ आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। आपको मेरा नाम वहाँ पे जाके लेना है और आपको सिंपल से वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस ये थी सारी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।